वहां पे आपका नाम डाल देते हैं, फोटो तो रहता ही आपका, क्या नाम है आपका? शुभम माता जी, शुभम, मैंने शुभम का नाम डाल दिया, सरनेम भी डाल दिया, फोटो भी उसका मेरे पास आ गया है, वो फोटो मैं मैच करता हूँ। आज तो बता रहा हूँ कि स्मार्ट जो इंटरव्यूअर होता है कैसे होता है, देख लिया फ्रेंड कौन इसका, ये फ्रेंड है, इनकी गर्लफ्रेंड है, ये ऐसे ऐसे पोस्ट आता है, ऐसे ऐसे थॉट्स है, ऐसे ऐसे चीज लिखता है, ये इसने इनोवेशन इतना किया है, पेपर प्रेजेंटेशन इतना किया है, इसके फेवरेट बुक्स ये है और इसका फेवरेट कंपनी ये है, दादा वगैरह सब कर लिया। अब कल वो जब जाएगा इंटरव्यू के लिए, आपको लगता है क्या होने वाला इसका रिजल्ट? ये इसके बारे में बोलने से पहले उसको मालूम पड़ेगा, उधर लिखा रहेगा पॉइंट्स, कुछ कुछ पॉइंट निकाल के रखेगा। और ये गलती हम लोग करते हैं, आपके पास ब्लॉगर नाम का एक चीज है, मालूम है आपको, एक राइट्स मिला है ब्लॉग बनाने का, फ्री में ब्लॉग बना सकते हो। बनाया किसी ने? आपने बनाया? और किसी ने बनाया? ब्लॉग बनाया, अभी भी आपके पास 6 महीना है ना, तो सबसे पहले एक ब्लॉग बनाइए। सोशल मीडिया पे रहिए कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लॉग भी एक बनाइए। ब्लॉग जब बनाओगे, जब उसके बाद ब्लॉग जाएगा तो देखेगा, अरे यार इसने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसने पेपर प्रेजेंटेशन दिया और उसका स्टडीज में इतना अच्छा, शुभम यार एक नंबर है, ये लड़के को तो कुछ करना चाहिए। हाँ, ये इधर काम में नहीं आएगा, लेकिन ये इधर कुछ कर सकता है, ये हमारे न्यूज़पेपर के लिए लिखेगा, ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए लिखेगा, हम इसको फॉरेन में भेज सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, ये आपकी रेडी है और सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक ब्लॉग बनाना है, रिज्यूम आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, वेबसाइट बना सकते तो वेल एंड गुड, प्रोजेक्ट का वीडियो बना सकते तो वेल एंड गुड, छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल दीजिए यूट्यूब पर, आपका चैनल अगर है। देखो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, आप पुराने अब वो अमेजोन में देखा ना आपने, अब वो निकल गए सब, सब आदमी लोग निकल गए, कैशियर बैठते थे, अभी डायरेक्ट वो फर्स्ट पैर है ना, वो किसी ने बताया ना आपने बताया, वो टेक्नोलॉजी आ गया, तो आपको भी टेक्नोलॉजी आपका रिज्यूम में भी वो चीज दिखाई देना चाहिए। तो आज के बाद से प्लीज आपका वो आपको डेकोरेट करना, इनोवेशन कीजिए, रोज एक नया प्रोडक्ट बनाइए। कैसे बनाओगे सर? ये क्या है इनोवेशन, क्या घर की खेती है? मुझे भी बुरा लगा कि जब मैं वर्ल्ड कप बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जब मैंने मेल डाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को, वहां से निकला है सर आपको मालूम है आप क्या क्या लिख रहे हैं, आपने पढ़ा क्या मेल क्या लिख रहे हैं? मैंने पूरे होश हवास के साथ लिखा और मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, दैट टाइम आई रोट ओनली, दैट टाइम आई क्रिएटेड ओनली 80 पोएम्स, मुझे भी मालूम था 207 होगा, लेकिन मैंने 80 पोएम क्रिएट किया और मैंने उनको मेल डाला और वहां से रिप्लाई, सर ये तो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में, इट साउंड्स गुड, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। एक इंजीनियर जो है, क्योंकि अभी वो लोग हमारा जॉब ले लेगा, हम भी उसका जॉब ले लेंगे ना, गुलजार साहब बैठे थे वो भी लिख सकते हैं बहुत अच्छा पोयम, फिर कौन है और जावेद अख्तर साहब है, बहुत बढ़िया पोयम लिखते हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं कि ऐसा भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। 192 कंट्री में इंडिया का नाम ऐसा हुआ कि 192 कंट्री में किसी ने पहली बार ये ट्राई किया, 12 घंटे में 207 पोयम, ज्यादा ही हो सकता था लेकिन मैं धीरे धीरे लिख रहा था, क्योंकि पोयम लिखना कोई प्रोडक्शन वाला काम नहीं है, प्रोडक्शन बैठे हैं सर, अभी प्लेन बनाना बहुत इजी है, आप 10 प्लेन बना सकते हैं एक घंटे में, या 20 कर सकते हो, साइकिल टाइम बढ़ा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर कुछ कर सकते हो, पोयम का क्रिएटिविटी का आप क्या कर सकते हो बताइए, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप चैलेंज लेंगे तो आपका माइंड काम करने लगता है। और वो भी पहले तो मैं सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था, मेरी मिसेज बोली क्या कर रहे हो, बता नहीं मैं कल का तैयारी कर रहा हूँ, बोले ऐसे बैठ के, बोला हाँ, क्योंकि मुझे 12 घंटा बैठना है वहाँ पर, 12 घंटा बैठना है, 12 घंटा लिखना है, 12 घंटा सोचना है। और मलाला का एक स्टेटमेंट है, मालूम है मलाला कौन है? नोबेल अवार्ड मिला है, उसका एक स्टेटमेंट है, वन पेन वन बुक वन टीचर एंड वन स्टूडेंट कैन चेंज द वर्ल्ड, दे कैन चेंज द वर्ल्ड, वन बुक वन पेन वन स्टूडेंट एंड वन वन टीचर, ये चारों जन जब मिल जाते हैं ना तो पूरे दुनिया को बदल सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। जब मेरे जैसा आदमी ये कर सकता है जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो इंडिया में बहुत कम रहा हूँ, 4-5 साल वहाँ फॉरेन में था, मुझे ना तो हिंदी अच्छा बोलने आता है ना तो मराठी अच्छा बोलने आता है, कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, और क्रिएटिविटी तो बहुत दूर की बात है लेकिन कर सकते हैं, जब आप दिल पे ले लोगे दिमाग में ले लोगे तो कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट इज यू हैव टू, आपके पास कुछ बोलने के लिए होना चाहिए आपके बारे में, और जब एक रिकॉर्ड बन जाता तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है, फिर दूसरा रिकॉर्ड भी बन गया, अभी तीसरा रिकॉर्ड भी मेरा बन रहा है, तीसरा रिकॉर्ड अभी लिंकअप के लिए जा रहा है, दैट इज कोई भी एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक में 1000 लाइन में लिखने वाला,
अभी उन्होंने बोल दिया ये पेन है, कौन सा पेन है ये, फ्लक्स पेन है, मोंटेक्स, ये मोंटेक्स का पेन, इस पे 1000 बोली, 1000 लाइन का पोएम लिखना है, कुछ भी देंगे वो और उस पर मैं लिखे लिखा। तो जब आपको एक लाइन मिल जाता तो आप कुछ भी कर सकते, तो करोगे ये। मैं चाहता हूँ हर एक के अंदर वो काबिलियत है। लोग बोलते सर मेरे को तो ऐसे ही भगवान ने ऐसे ही पैदा कर दिया, ऐसे ही पैदा कर दिया, मेरे को तो कुछ था भी नहीं, कुछ काम भी नहीं था मेरा। तो देखो मैं सोचता हूँ ये करने के लिए तो सचिन कर रहा हूँ मेरा काम, मैं सोचता हूँ फुटबॉल में जाऊँ तो वो उधर मेसी ब्रदर लोग बैठा है वो लोग काम कर रहा है, सोचता हूँ एक्टिंग करूँ तो वो बोमन हिरानी और वो अमिताभ बच्चन लोग मेरा काम ले लिया, मेरे को तो वैसे ही पैदा कर दिया। नहीं, यहाँ पर गलती करते हैं। इस पृथ्वी में 700 अरब लोग रहते हैं और हर एक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बस वो रोल आपको फाइंड आउट करना है, मेरा रोल क्या है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हर एक को अपना रोल फाइंड आउट करना है। और याद रखिए, एक टीचर ने पूछा अपने स्टूडेंट को, सकाल नदी साली कसम माहित पड़े, सुबह हो गया कैसे मालूम पड़ता है। चलिए ये सवाल मैं आपको पूछता हूँ, सुबह हो गया कैसे मालूम पड़ता है, सकाल साली कसम माहित पड़े, सूर्योदय हो गया आपको क्या, सुबह हो गया। अब उस टीचर ने बहुत जबरदस्त वो फिलोसॉफिकल टाइप के टीचर थे और उन्होंने एक आंसर दिया, और वो आंसर क्या था पता है आपको, जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है ना, अपने लक्ष्य को पहचान लेता है ना, समझ जाना सुबह हो। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को पहचान लिया ना, जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को पहचान लिया, नहीं मुझे मेरे मम्मी डैडी को पूरे वर्ल्ड टूर कराना है, भले उसके पास पासपोर्ट है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन मुझे मेरे मम्मी को क्या कराना है, क्या कराना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड टूर कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे उनके रूम में एक एसी लगाना, बस खत्म। जिस दिन आपको आपका लक्ष्य मिल गया, मेरे को ना भगवान ने शायद इसके लिए पैदा किया है कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं, सुई धागा से मैं क्या कर सकता, क्या कर सकते हैं, थोड़ा उनका भी प्रमोशन कर देते हैं, शाहिद कपूर का भी थोड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक है सर। अगर देखिए आपको अक्षय कुमार का कल मैं मूवी देख रहा था बैटमैन, अमिताभ बच्चन का उसमें एक डायलॉग है और वो आप देखिए, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है सुनाओ आपको, मैंने कल वो रिकॉर्डिंग किया है, थोड़ा मोबाइल में है, थोड़ा आवाज धुंधला रहेगा लेकिन सुनिएगा।
अमिताभ बच्चन जी की उनका जबरदस्त पूरे फिल्म का हार्ट है, उसके सामने तो
फिर भी अटेंड करना,
हाफ शर्टें तो भी पहन के जाना, लूज शर्टें पहन के जाना, लेकिन अटेंड करना जितना इंटरव्यू हो सकता है, और हर इंटरव्यू आपको कुछ नया सिखाएगा। जितना आपने 4 साल कॉलेज में नहीं सीखा ना, जितना आपने 4 साल कॉलेज में नहीं सीखा ना, उतने 10 इंटरव्यू में आपको सीखने को मिलेंगे। मैं आज भी इंटरव्यू देने जाता हूँ, आपको बता रहा हूँ, एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ। अभी मैं गया था ओमान के इंटरव्यू देने के लिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? चलो ठीक है। तो आज भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, इसके लिए नहीं जाता हूँ कि मुझे शायद जॉब सर्च करना है या चेक करना है, मैं इसके लिए जाता हूँ कि मुझे मेरा वैल्यू क्या है आज मार्केट में। चलो 1,80,000 मिल जाते हैं आपको, अभी 1.5 लाख का आदमी, 1,80,000 का आदमी बन गया, आपको अपना वैल्यू मालूम पड़ता है। और बहुत अच्छा लाइन बोला है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, डोंट बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। ठीक, तो पहला होता है 1-to-1 मैगजीन, नेक्स्ट होता है स्क्रीनिंग, हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, फिर फोन पे होता है, फोन पे आप इंटरव्यू में, पैनल पे होता है, आजकल वो डायरेक्ट 1-to-1 होता है ना, जो कांग्रेस में करते हैं हम लोग, फिर ग्रुप पे होता है टास्क और टेक्निकल, एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया था, रूबिक क्यूब ये हो या कुछ क्लस्टर वगैरह दिया था, इसको कैसे आप नया बना सकते हो, बंद हो गया क्या? अच्छा, फिर सिचुएशनल बिहेवियर, हाँ कुछ दिया जाता है कि आपको सिचुएशनल ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, आप काम पे आ रहे हो और बारिश बहुत तेज हो रही है तो आप काम पे कैसे पहुंचोगे, ये सब मैं ये सब मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, तो ऐसा कुछ जो भी है। फिर कुछ स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस टेस्ट होता है, व्हील आर सिचुएशनल प्रेजेंटेशन, बोला जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन करना है, वो बहुत बात की आती है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है 1-to-1 या ग्रुप डिस्कशन, ज्यादा लोगों को ग्रुप डिस्कशन दिए जाता है, कैमरा लगाया जाता है, वहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलेगा आपसे, लेकिन जो अंदर है थिंक टैंक नाम का कैबिन होता है, वहाँ पर बैठ के सारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, आप कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, आप बोलने के लिए कितने उतावले हो, आप कैसे लोगों को ढकल रहे हो, ये सारा चीज देखते हो लोग, और फिर बोलते हैं ठीक कर रहे हैं उसको बाहर निकाल, ऐसा वो लोग अंदर से उनका चालू हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन, नो योर सेल्फ, रेस द पार्ट, रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपना खुद का एनालाइज करो, सुबह कब होती है, सुबह कब होती है, जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, जब आप मेडिटेशन के लिए जाते हो ना, मेडिटेशन से टेक्निक टू नो योर सेल्फ, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और जिस दिन आपने अपने आप को पहचाना, जिस दिन आपके खुद के स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेटेड और अपॉर्चुनिटी आपको पता चला गया ना, तो बस खत्म, आपको फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं रहेगा। 5 पांडव मालूम है आपको, मालूम है आपको 5 पांडव कौन आपको पसंद है, 5 पांडव में कौन पसंद है आपको, अर्जुन, सबको यहाँ पे 5 पार्टों में से कौन पसंद है, अर्जुन पसंद है, भीम पसंद है, और कोई है याद है किसी का, हाँ बोलिए बेटा, हाँ युधिष्ठिर पसंद है आपको, अर्जुन, हाँ ये चीज आपको बताती है, क्या बताती है कि जब आए ना जिंदगी में, कॉलेज में आए ना पढ़ने के लिए, तो कुछ तो अच्छा काम करके जाओ कि लोग पहचानना चाहिए, अर्जुन या भीम को लोग याद करते हैं, किसी ने भी नकुल और सहदेव का किसी ने भी नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो भाला लेके खड़े थे बस, और बहुत से लोग कॉलेज में केवल भाला लेके खड़े हैं, उनके मम्मी डैडी आते ना, अरे तो नागेश को दे रहे बाबा, नागेश उनके घर वाले कॉलेज में स्टाफ बोलते हैं नागेश को मेरे बाबा, चार वर्ष का मौसम तो सका ही है, तो लाइब्रेरी में जाके बैठता है ना, तो कुछ करता है, और बहुत से लोग अपनी जिंदगी नकुल और सहदेव बन के निकाल देते, बहुत से लोग अपनी जिंदगी नकुल और सहदेव बन के निकाल देते। आप जहाँ पे काम करने जाओगे ना, मेरा एक स्टूडेंट है वो कैपजेमिनी में लगा, कॉलेज में था तो पहले दिन ही सबसे फेमस हो गया था, वो ब्रेक डांस क्या करता था, क्रिएटिविटी क्या करता था, कविता क्या लिखता था, बहुत कुछ करता था, वो हर चीज में पार्टिसिपेट, और इस तरह का सेमिनार अगर कभी मिस हो जाता था ना, तो उसका वीडियो निकाल कर पूछता था, सर उसका वीडियो मिलेगा क्या, वो वीडियो निकाल के देखता था यूट्यूब से इधर से उधर से, मेरा मिस नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी मम्मी मुझे 5 बजे उठाती है,
खुद 5 बजे उठती है, टिफिन बना के मुझे भेजती है इतना दूर। मैं पहले यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज में था, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था और सबको पसंद आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो सब सब चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं देखा है ना हमारा सांगता जेवड़ा आंथरूण असत ना तेवड़ा स्पाइक पसराइस है। अच्छा, अरे यार चद्दर को छोड़ो यार, पैर फैलाओ जितना फैला सकते फैलाओ। नहीं ते काय जास्त फेमस नाही व्हायचं रे, मग लोकांचं काय डोळ्यामध्ये येतं। अरे यार क्या डोळ्यामध्ये यार, बड़े बड़े कलाकार कॉलेज के लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए। आपको अपनी अभिव्यक्ति दिखाने का मौका मिला है। ये कॉलेज केवल सिर्फ कॉलेज नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी अभिव्यक्ति दिखाना है। शायद हो सकता है आपने इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया है उसको पूरा कर दो, लेकिन इसी में से कोई एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, इसी में से कोई एक अच्छा फिलोसोफर बन सकता है, इसी में से कोई एक अच्छा कलाकार बन सकता है, इसी में से कोई एक अच्छा ड्राइवर बन सकता है, कुछ नया इनोवेटिव बन सकता है, यही कॉलेज में। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पहचानना है। और पूरे के पूरे रामायण में महाभारत में आप देखोगे ना, पांचों के पांचों भाई अपने आप को जानते थे कि मैं कौन हूँ। इसके लिए 5 होके भी 100 लोग से जीत गए, 5 होके भी 100 लोगों से जीत गए, क्योंकि 5ों को अपना काबिलियत पता था। नहीं मैं तो सिर्फ भाला लेके खड़ा रहता, चल ठीक है तू भाला लेके खड़े रहे, मैं भी हूँ, मैं उठा के 100 हाथी की ताकत है मुझ में। फिर वो अर्जुन नाम का था, वो ऊपर नीचे देख के पानी में देख के वो द्रौपदी को जीत के लेके आता है, पता है आपको ऐसा कुछ है ना, ऐसा वो नीचे देखता है वो मछली को मारता है, ये सब चीज याद है। ये सब क्या बदला है, आपको अपने आप को पहचानना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक मिनट, सो नो योरसेल्फ, रेस द पार्ट, रेस अच्छा होना चाहिए लेकिन रेस के साथ, और रेस में आप और सामने वाला दोनों कंफर्टेबल होना चाहिए, आप भी कंफर्टेबल होना चाहिए और सामने वाला भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे हम टाइट पहन के जा रहा हूँ, सलमान खान के जैसा मेरे को सिक्स पैक नहीं दिखाना है, कोई वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आप जितना सिंपल रहे और आप जो है वही बनना, वही दिखाना, सामने वाला पहचान जाता है, 40-50 साल का एक्सपीरियंस रहता है पहचान जाता है। जहाँ आप झूठ मूठ दिखाने की कोशिश नहीं, आंसर आता है सर आई डोंट नो, आई नो दिस वर्ड राइट, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग दिस आंसर, सॉरी सर। ओके, आपकी ऑनेस्टी पे शायद वो आपको रख लेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आंसर नहीं रहता है, कोई बात नहीं, उनको भी पता है यार, उमन भी वो पूछेगा अच्छा ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट पे मैं बोलूँ, कौन से सब्जेक्ट पे मैं सवाल पूछूँ। सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज ईवीएस। ईवीएस अच्छा, ईवीएस पे क्या पता है आपको, इकोलॉजी मुझे पता है, हाँ बोलो इकोलॉजी पे बोलो, इकोलॉजी पे पता है। लेकिन किसी ना किसी में तो आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो प्रोग्रामिंग के बारे में पता, मैकेनिकल सब्जेक्ट है तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, डॉम है, डॉम है, कॉम है, उसके बारे में, कोई तो भी एक सब्जेक्ट में मास्टर बनता है, क्लियर हो गया ये। फिर उसके बाद आता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जो कंपनी वाले में मेरा इंटरव्यू होने वाला है, जैसा वो मेरा फेसबुक पे पूरा अकाउंट मेरा पूरा निकाल रहा हिस्ट्री, तो मैं भी जाके क्या करूंगा, उसका भी जाके पूरा निकाल दूंगा, किधर काम करता है, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, मालिक कौन है, मालिक का फेवरेट चीज कौन है, मारवाड़ी है, गुप्ता है, कौन है, क्या है, पता चलेगा, गुप्ता तो अपने बिहारी वाला ठीक है, ऐसे दिमाग में लगा चलेगा। हाँ सर, माय नेम इज प्रोफेसर दिनेश गुप्ता। अच्छा गुप्ता अरे तो अपने बिहारी बोले, बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह से आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नो योरसेल्फ, हाउ वेल डू यू फिट द जॉब। अभी जो जॉब है आप उसमें कहाँ पे सेट हो गए, डिजाइनिंग का जॉब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जॉब है, एमडी का जॉब है, आपको अपने आप को वहां पर देखना है कि मैं कहाँ पे सेट होगा, व्हाई आर यू बेस्ट फिट फॉर द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ड्रेस फॉर सक्सेस, कैसा होना चाहिए ड्रेस देखना, मैं नहीं बताऊंगा क्या होना चाहिए, आप ले लीजिएगा। लेडीज लोग हैं तो आपको कैसे पहनना है, कैसे पहनना है, आप या तो कॉर्पोरेट लेवल का भी कपड़ा पहन सकते हैं या तो पंजाबी ड्रेस पहन के भी कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए दोनों तरफ के लोग, इंटरव्यू लेने वाला भी कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको भी कंफर्टेबल होना चाहिए। हमेशा बार बार इस शब्द में बोल रहा हूँ, शूज पॉलिश रहेगा तो अच्छी बात है और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन रहना चाहिए। ओके, पहले दिन करना चाहिए, बाद में तो क्या कोई बात है, ट्रेन में से तो धक्का खा के आएगा, बाद में ही यहाँ से निकलेगा, शर्ट का कॉलर यहाँ से निकलेगा, बात अलग है। लेकिन उसे क्या करना है, इंटरव्यू में जब आप देने जाते हो तो पहले आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, आप मुस्कान के साथ जाइएगा, बेस्ट मेकअप रहिए,
आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, थैंक यू जैसे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखना चाहिए। किस तरह से आप वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और हंसते हुए आंसर देना है। नेक्स्ट, व्हाट टू ब्रिंग प्रिपेयर्ड ट्रेवल फोल्डर विद, ये सारा चीज होना चाहिए। कोई आपके का रेफरेंस है आपके पास, रेफरेंस दे सकते हैं, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर का, आपके एचओडी सर का, जो भी है मेरा भी आप दे सकते हैं कि हाँ उनको मैं जानता हूँ। तो अभी आजकल के हमने पेपर में बोला आजकल आर्टिकल्स आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो। लिस्ट द क्वेश्चन, खुद का पेन होना चाहिए, पेन सर पेन में असाइन करें पेन भी नहीं लेके आ सकते। और पेन कैसा होना चाहिए, पेन कैसा होना चाहिए, जब 40,000 का जॉब के लिए जा रहे हैं तो पेन कैसा होना चाहिए, 5 रुपए का निकल लेक्सी पेन, हाँ लेक्सी पेन होना चाहिए, थोड़ा खर्चा करना है। महात्मा गांधी भी कभी फ्लैक्सी पेन से नहीं लिखा, उनका भी जो पेन था ना मॉन्ट ब्लैंक, मैं जब ओमान में उसका भाव पूछा तो मैंने बोला जाने यार अपनी पूरी सैलरी इसी में लगा। ओके, तो मॉन्ट ब्लैंक मैं नहीं बोल रहा हूँ मॉन्ट ब्लैंक, लेकिन आज भी हमारे देश में 50 रुपए में बहुत अच्छे पेन मिल रहे हैं, पेन अच्छा लगेगा कम से कम उस दिन चलेगा। फ्लैक्सी पेन से लिखो, एक बार आप सिलेक्शन हो गया ना आप जैसा बोलेंगे वो उत्तर दिशा, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना तब तक आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, क्या पे तो क्या निकाल के जाना पड़ेगा, जैसे है वैसे जाना अच्छे से। आपका हेयर कट प्रॉपर रहना चाहिए, शेविंग रहना चाहिए, पूंछ बराबर होनी चाहिए, दांत वाइट दिखने चाहिए, जो भी है मेरे सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और बहुत से लोग का स्मेल आते रहता है तो मैं तो बोलता कि अगर लेंसी रख सकते हैं या कुछ में जो आ गया सेंट वगैरह आ गया, परफ्यूम छोटा सा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि कैबिन कोई बहुत बड़ा नहीं होता इंटरव्यू का, छोटा सा होता है, तुम सामने आप बैठते पूरा बात करते पूरा, तो उसको बैड फील नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी करके नहीं तो 2 मिनट में आपको बाहर निकाल देगा वो। ओके, टाइम होने जा रहा है हमारा, सो व्हाट डू ब्रिंग, एक बार पीछे जरा देखते हैं क्या क्या दे दिया आपने लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू विल आस्क, खुद का क्वेश्चन बना के रखो, खुद मॉक इंटरव्यू सर लेंगे तो मॉक इंटरव्यू बनाए कराइए और आप भी दूसरों का इंटरव्यू लीजिए, आपका भी राइट है, आप भी इंप्लायर का जो इंटरव्यूअर होता है उसका क्वेश्चन उससे भी आप पूछ सकते हैं, सर ये कंपनी का टर्नओवर कितना है, क्या पूछ रहे मुझे जस्ट ऐसे ही सैलरी डिसाइड करना है, फिर वो हिसाब से आपको डिसाइड करेंगे, तो बोलेगा 500 करोड़, 600 करोड़, 350 करोड़, चलो 40,000 मान सकते, 40,000 हम लोग मान सकते। कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई, स्टार्टिंग में आप इंग्लिश में बात करें आप हिंदी में बात करें ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे पूछ सकते हो सर हिंदी या मराठी नो प्रॉब्लम, तो बोलेगा हाँ बात कर सकते। मेन क्या है कि आपको अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है, अपने आप को पूरा वहाँ पे निकाल देना है, पूरा जान डाल देना है उसके अंदर, अपने आप को पूरा खींच के पूरा पूरा का पूरा सामने लेके आना है, ये मेरी लाइफ है और ये मैंने किया है 4 साल में, मैंने यही चीज सीखा है, मैंने बाकी चीजें सीखा लेकिन मैंने ये चीज सीखा है। नेक्स्ट, उसका रोल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या करती है। नेक्स्ट, द इंटरव्यू डे, हाँ टेक टाइम टू कंपोज योरसेल्फ व्हेन यू अराइव द इंटरव्यू बिगिंस, यू स्टे आउट of the car, greet everyone in a friendly and professional manner, good morning sir, good morning, good morning, चेहरे पे मुस्कान आना जरूरी है, स्माइली के साथ करना चाहिए, दिल से बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ बहुत बहुत बार ऐसा हो जाता है ना आपकी पहचान वहां पर बन जाती है, बहुत सर अरे तू भी आए थे उधर सिलेक्शन नहीं होते ना, नहीं हुआ है चल अच्छा है, फिर जब दोस्ती हो जाती है ना तो बताएगा आपको नेक्स्ट क्या है कि ग्रीट इंटरव्यू बाय नेम विद स्माइल एंड डायरेक्ट, अगर उसका नाम पता है कि आपका जो इंटरव्यू मिस्टर गुप्ता लेने वाले हैं, हेलो सर गुप्ता सर, थैंक यू गुप्ता सर, गुप्ता सर, गुप्ता सर कैन आई सीट, मैं सीट, इस तरह का अगर पहचानते हैं तो
और नहीं पहचानेंगे तो कोई आपको नुकसान हो जाएगा. ओके, ऑफन ऑफर ए फर्म नॉट फॉर क्रशिंग हैंडशेक. यस, वो सब अभी इतना इतना नजदीक भी नहीं जाना है किसी के. ओके, बी काम, बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज. आपको देखना है मेरा हाथ किधर जा रहा है. हाथ तो ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, हाथ का मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है. आई कॉन्ट फिंगर्स घूम तो नहीं रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसा पेट में ऐसा कुछ हो रहा है. हो रहा है तो ठीक है, वो होता ही है. कभी कभी ऐसा झुंझुनी आती है ना नाभि के पास, वो झुंझुनी आने दीजिए, वो होता है. इसी तो नॉर्मल, इसी के लिए तो बोला जा रहा है कि आपको मॉक इंटरव्यू देना है. हाउ टू शेक हैंड, अगर समझो बात में हो गया आपका तो एकदम नॉर्मली आपको फुल एनर्जी के साथ स्माइल एंड मेक आई कॉन्टेक्ट एज यू शेक हैंड्स. एक्सटेंड योर हैंड आपको सामने से पहले पहले देखा ना संजय सिंघानिया का, क्या बोला उसने लास्ट में, बड़े आदमी कभी पहला हाथ हाँ नहीं देते हैं. लेकिन ये कोई बात नहीं, लेकिन वो इंटरव्यू लेने वाला तो उस समय वो बड़ा आदमी है. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं, कोई भी पहले हाथ आगे कर सकता है. यूज फर्म हैंड शेक, एडजस्ट द ग्रिप ऑफ द अदर पर्सन्स हैंड, होल्ड द हैंड शेक फॉर 2-3 सेकंड मेकिंग अ फर्म. Tell me about yourself. One of the very important questions. देखा, my name is blah blah blah. I'm working here. I'm working there. My hobbies is this, and my interesting subject is machine design. Are you designing any machine? Yeah, I have designed 2 or 3 machine. One is the pneumatic machine. Second is the automation machine, and third is the magnetic machine. ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पे भी है. तो आपको वो याद करके रखना पड़ेगा. हाँ, simple है, एक आपको मिल जाएगा. फिर आपको prepare कैसे करना है. State your skills and experience. And how they relate to the position. अभी design के लिए offer निकला है. Research and development में मेरे पास vacancy है. तो आपको जिस तरह से आप अपने आप को represent करोगे, तो आपको बताना है कि इस post के लिए, अगर आपने programming के लिए किया हुआ है, तो programming के लिए आपको होना चाहिए, civil के लिए किया है, geotech के लिए, तो आप जितना भी कुछ बताओगे, सब उससे related होना चाहिए. Okay? समझ रहे हैं ना? आप जितना भी बताओगे आपके बारे में वो सब उससे रिलेटेड होना चाहिए. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं एमआर का जॉब कर रहा था. कौन सा? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा था, वो फार्मा. तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए वहां पर गया तो मैं सारा चीज उनको एमआर से रिलेटेड बता रहा था. मैं कर रहा था इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे जितने भी जो भी थे कि हाँ उसमें ऐसा होता है, एनाटॉमी के बारे में मैंने उनको बताया, ब्लड के बारे में उनको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है. जो भी सवाल पूछ रहे थे मेरा एक होटल में इंटरव्यू था तो सारा चीज मैंने उनको बताया. Describe yourself professionally, not personally. Professionally आपको बताना, नहीं वो क्या है, मेरी मम्मी डैडी है और मेरी मिसेज से 2 बच्चे हैं और लड़का तो है केसी गांधी स्कूल में पढ़ता है और लड़के को तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन क्या है कभी कभी मेरी बात वो सुनता नहीं है. क्या सब तो आपको प्रोफेशनली बताना है. माई नेम इज प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, आई एम वर्किंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम टीचिंग सब्जेक्ट. There are 2000 students in my college and I am also guiding my student for their project. इस तरह का जो भी है आप अपना बता सकते हो. Elevator moment क्या होता है? 30 second commercial or an elevator moment that is about your professional. My name is Professor Dinesh Gupta. समझ में आ गया क्या है? अब बोलने की जरूरत नहीं. क्या है ये आदमी, क्या काम करता है? पढ़ाता है, प्रोफेसर है, इंजीनियरिंग में नहीं हो प्रोफेसर है. एलिवेटर स्पीच होना चाहिए. आई एम प्रोग्रामर मीनाली शाह. आई एम प्रोग्रामर मीनाली शाह, मेरे क्या है वो प्रोग्रामर है. तो एक एलिवेटिंग एलिवेटर स्पीच जिसको हम लोग बोलते हैं, एलिवेटर स्पीच आपके नाम के साथ लगना चाहिए. आपके कौन से डिपार्टमेंट में हो? EHTC में है. आई एम ऑटोमेशन या आई एम टेलीकम्युनिकेटर. I am telecommunicator, जो भी आपका नाम रहेगा आप बोल सकते हैं. आपको लगाना पड़ेगा, आपका नाम लगाना पड़ेगा. आपको आपका नाम ढूंढ के एलिवेटर स्पीच क्या कर सकते हैं? आई एम प्रोफेसर दिनेश गुप्ता एंड आई एम मेकिंग पीपल सक्सेस. आई एम मेकिंग पीपल सक्सेस. मैं क्या करता हूँ? लोगों को सफलता दिलाने के लिए हेल्प करता हूँ. मेरा क्या हो गया? हो गया 30 सेकेंड में अपना काम बन गया, अपना ब्रांड बन गया. क्लियर हो गया ये? आई एम प्रोफेसर दिनेश गुप्ता एंड आई एम मेकिंग पीपल सक्सेस. आपका मिशन भी वहाँ पे क्लियर हो गया. स्टेट योर स्किल्स एंड एक्सप्रेस एंड हाउ दे रिलेट टू द पोजीशन. नेक्स्ट सब्जेक्ट, द इंटरव्यू बिगिंस. आस्क परमिशन टू टेक फ्यू नोट ड्यूरिंग द इंटरव्यू इन केस ऑफ नीड क्लेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू. लिसन केयरफुली क्वेश्चंस शो हार्म. सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हो
तो आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि ये दरवाजा बराबर बंद हो रहा है कि नहीं, नॉक का जो साउंड है कितना आना चाहिए, फिर उसके बाद नॉक करते समय साउंड बराबर आना चाहिए, चेयर का जो है चेयर का ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए, ऐसा पूरा ऐसा कुछ ऐसा आवाज इसमें तो नहीं है, ये इसमें आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, साउंड गलत नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं, सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं होना, प्लेजेंट इन्वायरमेंट, आप आने के बाद ऐसा लगना चाहिए, आप आए बाहर आए ऐसा लगना चाहिए, ओके, टू शो इंटरेस्ट इन द पोजीशन थ्रू योर आईज कॉन्टेक्ट पोस्चर एंड अटेंटिवनेस, ओके, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम हाथ का मूवमेंट जो है ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा हाथ का मूवमेंट, सर क्या है ना, आई नो वो पूछेगा वॉल के बारे में, टेल अबाउट नॉन रिटर्न वॉल, सर नॉन रिटर्न वॉल इज लाइक दिस, इट्स ओपन एंड क्लोज, इट्स ओपन एंड क्लोज, ऐसा आप यूज कर सकते हो, ओके, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो, नेक्स्ट बिहेवियरल क्वेश्चन, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है कि हाँ अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा हो गया कि आपकी सिस्टर या किसी के साथ भाग गई तो क्या करोगे, ऐसा सिचुएशन आता है क्या करोगे फिर, यार सिस्टर भाग गई तो क्या करेंगे, अगर चलो मैं आपके सिस्टर से शादी कर लूंगा तो क्या करूंगा, अरे सर इट्स माय प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर, अब वहां पर ये होने वाला नहीं, ये एज्यूम की बातें होती है, आप किस तरह से आंसर देते हो, आप किस तरह से आंसर देते हो वहां पर आपको, क्योंकि कस्टमर सर्विस में आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको टीम में जब आप काम करते हो तो कैसे भी कुछ भी बोला जाएगा, उस समय आपका माइंड कैसे स्टेबल रहता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बिहेवियरल ओके ऑफन इंप्लाइड आस्क क्वेश्चन दैट विल डिटरमाइन हाउ वेल यू यूज स्किल्स एंड एबिलिटी इन रियल लाइफ सिचुएशन, समझो आप काम कर रहे हो मशीन में तो ब्लास्ट हो गया आप क्या करोगे, काम कर रहे हो मशीन में चाय गिर गया क्या करोगे, काम कर रहे हो और एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया क्या करोगे पहले आप क्या पूछोगे, ये सारी चीजें आती है उसके लिए आपको सब स्टेबल जो समय आ जाएगा माइंड में, इसका कोई भी गणित नहीं, मैं आपको बताता हूँ गणित में तो हर चीज का आंसर रहता है, लेकिन इंटरव्यू का कोई गणित नहीं होता है, बस अवेयरनेस, ऑलवेज आई एम सेइंग यू अवेयरनेस, आपको बस अवेयर रहना है और जो आपका दिल बोलता है ना बस वही आंसर देना, कुछ घुमा फिराने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ओके ये सारा चीज आपको रेडी रहना है, द स्टार मेथड इंक्लूड योर टारगेटेड एंड थ्रू आंसर सिचुएशन टेक्निक एक्शन एंड डिसाइड, कोई गणित नहीं है, कोई भी गणित नहीं है कि नहीं दिनेश गुप्ता ने बताया तो मुझे ऐसा करना है, नहीं आपको दिल में उसके पास सुनो, इंटरव्यू देने के पहले आप शांत रहना चाहिए, कब शांति से कब कॉफी पियो चाय पियो पानी पियो आराम से पियो, बातें करते रहेंगे तो और फिर कंफ्यूज, अरे यार ये सवाल पूछ रहा है, आपका जो लगता है ना स्टार आंसर को फॉलो करो, क्या है डिपेंड इन सिचुएशन, क्योंकि आपका आंसर दोनों का आंसर अलग रहेगा, इनका सिचुएशन अलग है आपका सिचुएशन अलग है, टेक्निक होना चाहिए, व्हाट अप्रोच डिड यू यूज, व्हाट एक्शन डिड यू टेक एंड रिजल्ट क्या होगा ये बिल्डिंग अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, अगर आप फेल हो गए मार्केट में, आपने अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा तो क्या होगा, जो होगा सर आप ही करेंगे, अभी क्या है जो होगा सर आप ही करेंगे, एक चांस लेकिन और लूंगा मैं, और जब तक मैं प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा तब तक मैं ट्राई करता रहूंगा, नेक्स्ट बी एक्सप्रेस टू गिव एग्जांपल, एक काम करता है एक वीडियो दिखा दिया मैशमेलो टेस्ट है, एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ये 35 कंट्री में ये टेस्ट हुआ है, और आप लोग के साथ अगर टेस्ट होगा तो आप क्या करोगे, मैशमेलो सेकंड लास्ट नहीं नेक्स्ट, हां पीछे हां सेकंड लास्ट पे देखो सेकंड लास्ट नीचे, हां एकदम नीचे, हां वही मैं मैशमेलो यस, यहां पर एक वीडियो है जबरदस्त वीडियो देखिए क्या हो रहा है, कुछ कैंडी है मैशमेलो बोलते हैं ना कैंडी, एक मिठाई है,
बर्फी है, कुछ भी है, बर्फी रखा गया है और बच्चे को बोला जा रहा है कि आपको एक घंटे तक इसको सिर्फ देखना है, खाना नहीं है, सिर्फ देखना है, देखिए क्या होता है। अलग अलग बच्चे फेल किए थे क्या पढ़े, केवल देखा इतने सारे में केवल एक बच्चे ने वो पास किया।